हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और आज का व्लॉग ना, आज का वीडियो मतलब मैंने सुबह से ही शुरू कर दिया है। तो अभी मैं काट रही हूँ यहाँ पे सब्जियाँ, कुछ सब्जियाँ हैं मतलब मेरे पास। मैं लौकी भी काट रही हूँ और मैं तरोई भी काटूँगी, और क्योंकि मुझे सांभर बनाना है तो सांभर के लिए मैं दो तीन सब्जियाँ ना अलग अलग टाइप की काट के रख ले रही हूँ। और मैं बनाऊँगी सांभर, और सांभर के साथ में मैं राइस बनाऊँगी। रोटी का तो पता नहीं मैं बनाऊँ या ना बनाऊँ, अभी से नहीं पता, पर मैं सांभर की तैयारी कर रही हूँ सांभर बनाने के लिए। और ये जो बुट्टी है ना, देख रहे हो, ये मेरी फेवरेट है और मैं इन्हें शाम को भूनूँगी। और आज आप सबको पता है कि आज कजरी का त्यौहार है, और हमारे यहाँ तो इसे कजरी ही बोला जाता है। अब सब जगह पे हो सकता है अलग अलग चीज़ें हो सकता है ना, कि अलग अलग तरीके से होती हैं हर चीज़ें। तो मेरे यहाँ आज ये ना नागपंचमी और रक्षाबंधन के बीच में ये वाला मतलब फेस्टिवल होता है, तो आज वही है। और ये ना गेहूँ बोए जाते हैं, और नागपंचमी के दिन जो अखाड़ा होता है वहाँ से ये मिट्टी आती है, और उसी में ये वाले गेहूँ ना मतलब ऐसे बोए जाते हैं और फिर इसकी पूजा होती है। और इधर देखो तैयारी हो गई है, और मम्मी आज बना रही है मीठे में कुछ, तो उसी के लिए इतना सारा दूध मम्मी ने रख दिया था पहले से गैस में, और ये धीरे धीरे ना पक जाएगा तो इसकी बनेगी मिठाई। और मिठाई में ना मतलब आज जो फेस्टिवल है उसी के लिए मिठाई बनेगी इसके इतने सारे दूध का। और यहाँ पे ना मतलब मैं डैडी के ये जो सूजी थी ना, ये मैं डैडी को बांधूंगी, और उसके लिए यहाँ पे डैडी बैठे हुए हैं। तो ये पूजा होती है, और मेरे घर पे मैं हूँ तो इसलिए मैं डैडी को ये रख रही हूँ। और ये ना ऐसे कान में रखते हैं और उसके बाद मिठाई खिलाते हैं, और तिलक नहीं करते हैं, तिलक सिर्फ रक्षाबंधन में किया जाता है। तो ये ना कोई भी कर सकता है, मतलब पापा के भी किया जाता है, चाचा अंकल कोई भी आपके घर पे हो ना तो सबको कर सकते हैं। इसलिए मैं अपने डैडी को ये कर रही थी, और उसके बाद मैंने मिठाई खिलाई, और फिर तो आप देख सकते हो कि मुझे क्या गिफ्ट मिला। और बस वही सारी बातें हो रही थी, और ये देखिए मतलब कितना फ़ायदा होता है ना, थोड़ा सा भी कुछ खिलाओ और उसके बदले में इतना सारा पैसा मिल जाता है। तो एक ऐसा फेस्टिवल ना तो साल में होते रहने चाहिए। और डैडी ने अब मेरे पैर छुए हैं, और ये देखिए मुझे 500 मिल गए हैं छोटा सा काम करके। तो बस ऐसा ही होता है हमारे यहाँ। और ये देखो बाहर का मौसम, और उसके बाद मैं आ गई थी अपना किचन की तरफ, और मैं बनाने लगी हूँ राइस, और मैं आज बना रही हूँ जीरा राइस। तो उसके लिए मैंने ना मतलब देसी घी में मैंने तड़का लगाया था जीरे का, और लौंग और कुछ काली मिर्च, और ऐसे ही ना मतलब फिर उसके बाद मैंने चावल डाल के फ्राई कर दिया था, और फिर मैंने आधा नींबू निचोड़ दिया था। और आधा नींबू निचोड़ने से ना मतलब चावल खिले खिले से, और एक एक चावल अलग होता है, तो ये तो ट्रिक ना सभी को पता होगी। बस मैंने वैसे ही सिंपल बनाया है। और अब मैं बना रही हूँ सांभर, तो सांभर में मैंने यहाँ पे डाल दिया है रिफाइंड ऑयल लिया था मैंने सांभर बनाने के लिए, और उसमें मैंने ना सरसों के दाने और करी पत्ता ऐड कर दिया था। और उसके बाद मैंने अब एक कटोरी भर के यहाँ पर ये प्याज डाल दिया है, और प्याज मैंने ऐसे बड़े बड़े ही काट लिए थे। और प्याज को डालने के बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पे हरी मिर्च, और दोनों को फिर अच्छे से पकाएंगे। ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा ही भूनना है, पर अच्छे से पका देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे ये डाल रही हूँ एक कटोरी भर के टमाटर, और टमाटर मैंने बहुत अच्छे से चॉप किया था, मतलब एकदम बारीक चॉप थे मेरे। और उसके बाद हम इसे साथ में पका लेंगे प्याज के साथ में, और जल्दी पक जाए उसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल दे रही हूँ। और फिर एक साथ में ना तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। और हाँ, मैंने अदरक भी डाली थी, वो शायद नहीं दिखा है वीडियो में। और उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा ही डालूँगी मैं लाल मिर्च पाउडर, और ज़्यादा तीखा मैं नहीं खाऊँगी, मतलब मेरे यहाँ कोई भी नहीं खाता है, तो इसलिए थोड़ा सा ही डाल रहे हैं। और उसके बाद ना जो मेन इन्ग्रीडियंट होता है ना इसमें, वो होता है सांभर मसाला, वो मैंने यहाँ पे अभी आपने देखा ना मैंने डाल दिया है, और वो ना भर के डालना होता है। उसमें आप कंजूसी नहीं कर सकते, क्योंकि मेन चीज़ है ना जो मेन टेस्ट आता है सांभर में वो होता है सांभर मसाला डालने से। और एक चीज़ और होती है जो होता है कि इमली का रस डालने से,
उन दो चीज़ों से मतलब ना सांभर बहुत अच्छा बनता है और उसके बिना अधूरा रहता है। तो अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ ये सब्जियाँ, और सब्जियों में मैंने जैसे बताया था ना आपको, मैंने तीन यहाँ पे तरोई ली थी जो मैंने काट लिया था ऐसे, और उसी साइज़ का मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा लौकी लेके दोनों सब्जियों को एक साथ में मतलब ना काट लिया है। सब्जियाँ थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, पर घर का सांभर है ना, घर का कोई भी चीज़ हो ना तो उसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होती हैं, सब्जियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि सब्जियाँ तो सेहत के लिए अच्छी भी होती है ना, और घर का बन रहा है रेस्टोरेंट का नहीं है, तो इसलिए हम अपने हिसाब से बनाते हैं, हमें जो चीज़ ज़्यादा पसंद है वो डालेंगे। और ये देखो यहाँ पे मैंने ये मसाला भी ऐड कर दिया है, और सब कुछ डालने के बाद ना इसमें पानी डाल देंगे, और उसके बाद हम छोड़ देंगे पकने के लिए। और हाँ, उस साइड में मैंने ना कुकर में दाल रख दिया था, दाल में सीटी आ गई थी, और दाल मैंने ऐसे सिंपल सा पका लिया था नमक और हल्दी डाल के। तो ये देखिए इस प्रेशर कुकर में ना दाल एक तरफ पक गई थी मेरी। और अभी मैंने यहाँ पे चीनी ऐड किया है, चीनी मैंने यहाँ पे 2 चम्मच ऐड कर दी थी, और उसके बाद लास्ट में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ये इमली का जूस। और इमली का जूस मैंने वैसे ही सूखी इमली को मैंने ना ऐसे भिगो के पानी में फिर निकाल लिया था, और ये सारा मतलब जो जूस बचा था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और ये देखिए आप लोग ना कि जूस डालते ही उसका सांभर का कलर चेंज हो गया है, और ये मेरा ना जीरा राइस बन गया है। ये देखो आप अच्छे से पक गया है। और इसे ना मैं एक और ट्रिक बताऊं आपको, अगर आपको ना पुलाव और अच्छे से बनाना है तो आप थोड़ी देर के लिए ना आप गैस में इसे रख सकते हो, उससे पुलाव बहुत अच्छा बन जाता है। और अभी मैंने अपनी दाल यहाँ पे ऐड कर दी है सांभर में, और ये देखिए बहुत अच्छा कलर लग रहा है ना, लग रहा है ना बाहर के जैसा, बिल्कुल कलर भी इसका अच्छा है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। और ये है मेरा आज का लंच जो कि बन के रेडी हो गया है, और लंच में आप देख सकते हो ना क्या क्या था, मैंने यहाँ पे जीरा राइस बनाया था, और ये है सांभर, और सांभर तो बहुत टेस्टी बना था। मैंने यहाँ पे ना आटे का डोसा बनाया था, जो कि मैंने वो रेसिपी यहाँ पे शेयर नहीं की है, और आप लोग भी मेरे साथ मेरा ये लंच आज का आप लोग भी इंजॉय करो, और आई होप आप लोगों को ये आज का लंच पसंद आया होगा।